दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम एक इस तरह की वीडियो लेके आए हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार लॉकडाउन के बाद में डिजिटल मोड एक्टिव हो गया है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये पेटीएम, यूपीआई, ये फ़ोनपे, गूगल पे ये एक्टिव हो गए थे। हम उसको अडेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमें अडेप्ट करना पड़ा। और सेम इसी तरह से आज जो है वो वन ऑन वन प्लान की तरह जगह पे ये डिजिटल ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ तक लग रहा है कि आने वाला टाइम यही रहने वाला है, तो डिजिटल ही आज आपको प्रोडक्ट के डेमो लोगों को करने पड़ेंगे। तो प्लान तो नो डाउट आप कर रहे हैं सब जने, लेकिन डिजिटल डेमो है वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। चलिए एक सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ, मैंने फटाफट एक वीडियो तैयार करी है ये वाली, जिसमें हम 8-10 डेमो हम इकट्ठे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले डेमो की तरफ। तो पहला डेमो हम जो दिखाने जा रहे हैं वो हमारा परसोना सोप है। ये हमारा परसोना सोप आता है 75 ग्राम्स का, और ये मार्केट का एक लीडिंग ब्रांड है जो आप देख रहे हो। नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं लीडिंग ब्रांड 75 ग्राम्स। दोनों का कलर सेम है, दोनों 75 ग्राम्स है, दोनों का MRP बराबर है। तो अब हम चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ये हमने दो ग्लास लिए, दो ग्लास में हमने थोड़ा सा पानी लिया दोनों में, और इसके अंदर मैंने कुछ इस मार्केट वाले ब्रांड का आपका थोड़ा सा कट के करके रखा हुआ है, थोड़ा सा हमने इसको डाल दिया, और थोड़ा सा हमने ये परसोना का क्रश किया हुआ डाल दिया। अब हम दोनों को हिलाते हैं। सबसे पहला फ़र्क आप देख सकते हो इसमें, राइट। दूसरी चीज़, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हम बॉडी में से, अपने शरीर में से गंदगी को साफ़ करने के लिए करते हैं। मेरे पास ये एक बीटाडीन है, पाउडीन आयोडीन सॉल्यूशन है। हम दोनों में डाल के देखेंगे बराबर मात्रा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन दोनों को वापस हम मिक्स करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये आपके सामने रिजल्ट है। ये इसने सारा का सारा आपकी बॉडी का जो मैल था, जो गंदगी थी, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। ये सेम वैसे का वैसा ही है। इसका एडवांटेज ये है कि ये एक दिन के बच्चे को भी हम लगा सकते हैं और हम खुद भी इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट है, और कॉस्ट दोनों की बराबर है। चॉइस आपकी है कि कौन सा यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लेते हैं इसी परसोना में ही। हमारा परसोना का टेलकम पाउडर आता है, और ये मार्केट का लीडिंग ब्रांड आता है, ठीक है। इसके लिए भी हम दो ग्लास लेंगे। उन दोनों गिलासों में पानी डालते हैं। ये दोनों गिलास लिए, इसमें हम ये वाला टेलकम पाउडर का डालते हैं, और दूसरे में हमारा परसोना डालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मियों का सीज़न है, और गर्मियों के सीज़न में पसीने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और पसीने के लिए हम ये इस तरह का पाउडर लगाते हैं। और ये जो मार्केट का ब्रांड है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जिस पे टीवी में बहुत अच्छी ऐड आती है, और इसको हम अपने शरीर पे लगाते हैं। तो ये देखिए आप दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है हमारे वाला, लेकिन ये बाजार वाला सेम का सेम एज इट इज़ पड़ा है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फिर भी मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने है दोस्तों मेरी उंगली, देखिए मैं दूसरा करता हूँ इसको अपने वाले को, और इसकी उंगली देखिए। अब इसका मतलब क्या है, जब हमारे यहाँ पे पसीना निकलता है तो इस पसीने पे जब हम ये वाला पाउडर लगाते हैं तो ये वाला पाउडर जाके उसके ऊपर चिपक जाता है, उसके पोर्स को बंद कर देता है, जिससे जो शरीर का वेस्ट मटेरियल है, जो पसीना गंदगी है, जो बाहर निकल रहा है, वो दोस्तों वो अंदर ही रह जाती है। अंदर रहने से उसी तरह की बीमारियां हमारी जन्म लेती हैं। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को हम लगा रहे थे कि हमें बीमारी ना मिले, लेकिन इसको लगाने के बाद हमारी बीमारी बढ़ रही है। तो अब आप बताइए, इसको एक दिन के बच्चों को नहीं लगा सकते, लेकिन इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और दोनों में अगर कॉस्ट का देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है इसकी, और रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देखिए। अब आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लगाना है। ये अभी भी ऊपर तैर रहा है, ये देखिए, लेकिन ये पूरा का पूरा मिक्स हो गया है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होती है सर, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब तीसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तीसरा प्रोडक्ट परसोना में ही आता है। परसोना परसोना हमारी एक रेंज है पर्सनल केयर के अंदर, उसमें हमारा एक परसोना का आंवला तेल आता है ये, और एक मार्केट का बहुत अच्छा ब्रांड आता है ये वाला। हमारे घरों में ये वाला प्रोडक्ट मतलब सभी के घरों में ये पहले पाया जाता था, अभी तो हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ। ये भी आंवला तेल है, ये भी आंवला तेल है, लेकिन ये जो है वो 180 ml है, ये 200 ml है, यानी 20 ml ज़्यादा हो गया। इसकी MRP आप देखेंगे दोस्तों, ये पीछे लिखा हुआ है 88 rupees, लेकिन इसकी आप जब MRP देखेंगे तो इसके पीछे लिखा हुआ है 80 rupees, 80 rupees। और दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क लगाने के बाद पता चलेगा। इसमें आपके जो बाल हैं वो चिपचिपाट हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और अलग तरह की इसमें स्मेल आती है। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बालों पे चिकनाहट हो रही है। और आपने इसको लगाना शुरू कर दिया तो दोस्तों मेरे को पता है कि आप इसको कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे। और कॉस्ट में क्या फ़र्क है, कॉस्ट में आपको पता ही है 20 ml ये ज़्यादा है और MRP में 8 rupees कम है, राइट। तो ये दोनों में से अब आप देखिए आपको कौन सा चूज़ करना है, ये वो प्रोडक्ट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रोडक्ट हम लेते हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दांतों को साफ़ करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ में होता है, टीवी में ऐड आती है, ये भी नो डाउट आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। और ये वाला हमारा ब्रांड आता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम तीनों को चेक करते हैं। हम एक ऐसी कटोरी लेते हैं, इस कटोरी के ऊपर हम थोड़ा सा तीनों को लगा देते हैं। सबसे पहले ये लगाया ग्लिस्टर, फिर ये लगाया बाबा जी वाला, और थर्ड लगा दिया हमने ये। अब हमने काम क्या करना है, अब हम तीनों को इस तरह से रब करेंगे, तीनों को अलग अलग उंगली के साथ कर दिया। लेकिन आप इसको अपने कान पे लगा के इसको इस तरह से घुमाइए, आपको सुनाई देगा इसमें, यानी कि बाबा जी वाली में और ये जो मार्केट में जो टीवी में ऐड आती है, इन दोनों में आपको करच 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 की आवाज़ें सुनाई देंगी, जैसे कोई पत्थर को आप रगड़ रहे होगे, ये आपके कानों में सुनाई देगा। हमारे वाली में ऐसा नहीं सुनाई देगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें मार्बल की कटिंग का बुरादा डाला जाता है। और ये क्या करते हैं, ये आपके दांतों के ऊपर के इनेमल को तोड़ देते हैं, जिससे गर्म ठंडे लगने की शुरुआत हो जाती है। तो ये दोनों हमारे इस इनेमल को, दांतों के ऊपर इनेमल को तोड़ने का काम करते हैं। और हमारे वाला जो पेस्ट है ये क्या करता है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो ऐसे इंग्रेडिएंट है कि आपके जो ऊपर जो दांतों के ऊपर जो इनेमल है उसको वापस रीजनरेट कर देगी, राइट। तो जिससे गर्म ठंडे लगने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसको लगाना कितना होता है, इसको मटर के दाने से ज़्यादा नहीं लगाना होता, और ये बाजार वाले पूरे भर के लगाने पड़ते हैं आपको, राइट। अब क्या होता है, ये जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद ये हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर पीछे अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट स्वेलो, राइट। और इसमें भी लिखा हुआ है नॉट टू बी स्वेलोड, इन दोनों के ऊपर लिखा है। इसका मतलब क्या, जब हम ब्रश करेंगे तो आपको क्या लगता है, सलाइवा के थ्रू हमारे अंदर नहीं जाएगा, जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम जब ये हमारे पेट के अंदर जाता है तो हमारे पेट में होता है एसिड, तो एसिड क्या करता है, इसके साथ जाके रिएक्शन करता है। ये मेरे पास एक एसिड है, अब इस एसिड को हम तीनों के ऊपर, आप ध्यान से देखना, मैं तीनों के ऊपर आपको डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डालते हैं बाजार वाले पे, ये देखिए, और ये डाला बाबा जी वाले पे, दिख रहा है आपको, और ये हमने अपने वाले पे डाल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये दो के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, ये और ये, इन दोनों पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन तीसरे वाले पे रिएक्शन नहीं हो रहा। इसी तरह से हमारे पेट में जा करके ये क्या करता है, हमारे पेट में जाकर रिएक्शन करता है। तो आपको सुबह उठ के कई बार ये लगता है कि मेरे पेट में गैस वगैरह बन गई है, पेट खराब रहने लग गया है, और अल्सर की शुरुआत इस तरह से होती है। तो दोस्तों हम ब्रश भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, और ये हालत कर रहे हैं, तो क्यों ना आपके पास चॉइस है, ये दोनों, इसकी 8 ट्यूब इसकी 1 ट्यूब के बराबर है। तो अब बताइए कॉस्ट में कहाँ पे आप इसके साथ समझौता करेंगे, 100 crore rupees से ज़्यादा का यह ब्रांड हमारा बिकता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बात करते हैं हम। ये परसोना का क्लासिक टूथब्रश आता है, ये ब्रश है देखिए आप। अब मार्केट के इसकी क्वालिटी क्या, मैं आपको बता दूं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, मार्केट का कोई भी ब्रांड आप ऐसे करके दिखा लीजिए, और 50 rupees के सिर्फ 2 ब्रश, राइट। इस तरह की क्वालिटी में बाजार में आपको 80, 90, 100 rupees का आपको मिलेगा, और जिसकी सेम ऐसी क्वालिटी नहीं होती। ये ऐसा ब्रश है, ये दैट इज़, ये है हमारा परसोना।
तो ये परसोना की रेंज मैंने आपको दिखा दी। तो परसोना में हमारे पास नेक्स्ट आता है, परसोना में ये हमारा परसोना का जूनियर टूथब्रश है। मार्केट में अगर देखेंगे तो करीब 60-70 रुपए से ऊपर के ये ब्रश मिलेंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रिप बहुत अच्छी है, और इसके पीछे ये चिपकाने के लिए जो टेबल के ऊपर ऐसे लग जाता है, बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत शानदार है ये वाला। तो इस तरह की रेंज भी आती है, कॉस्टिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है, 30 रुपए के आसपास ही अपने को पड़ता है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास ये है न्यूट्रोलाइट का चेरी आयरन का डेमो करके दिखाएंगे, जिसमें इस तरह के जो कैप्सूल हैं जो आप देख रहे हैं ये मार्केट में आते हैं, और ये मार्केट में उन लोगों को दिए जाते हैं जिनमें खून की कमी होती है। तो इनमें से हम एक कैप्सूल निकालते हैं, ये हमने एक कैप्सूल निकाला। कैप्सूल निकालने के बाद ये मेरे पास एक मैग्नेट है, और ये मेरे पास एक रुपए का सिक्का है। मैग्नेट के साथ सिक्का चिपकता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर लोहा है। इसी तरह से ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, इसको मैंने किया तो ये इसके साथ चिपक गया, ये है लोहा, इसके अंदर पूरा का पूरा लोहा है। लेकिन ये जो लोहा होता है, इसको हम आपको मैं खोल के भी दिखाऊंगा, ये मैंने इसको खोल दिया राइट, और इसमें से आप ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। ये क्या है, ये जो बताया फोलिक एसिड है, और ये लोहा है। ये लोहा जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर पचाता नहीं है, तो ये वॉमिटिंग के थ्रू ये बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकलेगा, ये पचेगा नहीं आपकी बॉडी के अंदर, तो पचेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लूज मोशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या वॉमिटिंग इसके कारण होती है, और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। उसके बाद हमारी ये टैबलेट आती है चेरी आयरन की, ये पालक से तैयार होती है, और इसमें किस तरह का भी और नहीं है। अगर आप इसको एक टैबलेट को अगर आप एक रोज़ खाते हो और 30 दिन तक खाते हो, तो चांसेस है आपका 1-2 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जबकि मार्केट वाले से इससे कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है आपका राइट। तो अब चॉइस कौन सी है, दोनों की कॉस्ट बराबर है, आपको कौन सी खानी है वो आपके ऊपर है। दोस्तों ये आती है हमारा डेली टैबलेट आती है मल्टी विटामिन, 13 विटामिन और 11 मिनरल होते हैं, ये इतनी बड़ी इसकी टैबलेट होती है। चलिए तो इसका डेमो हम देखते हैं, एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा शरीर है, और शरीर में हमारे पास सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये चावल के दाने में मान लेता हूँ सेल्स हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमारा शरीर है। इस शरीर को लेकर हम मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह का पोल्यूशन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ये एक पोल्यूशन वही बीटाडीन है, मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, कुछ पोल्यूशन इसके अंदर डाला तो ये हमारे ब्लड को गंदा कर देगा, और ब्लड के बाद ये धीरे 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 हमारी सेल में जाना शुरू कर देगा, और सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये हमारी सारी की सारी जो सेल है वो काली हो गई। अब ये सेल जो काली हो गई, इन सेल से नई सेल्स बनती है, इस सेल से एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8, 16, 32, इस तरह की माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, ये सेल बढ़ती जाती है। इस सेल से हमारे शरीर में जिस भी ऑर्गन के अंदर इस तरह का पोल्यूशन चला जाता है और ये प्रक्रिया शुरू होती है, वहाँ पे हमारा ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है, तरह तरह की बीमारियाँ आनी शुरू होती है। उस बीमारी से हम उस बीमारी के होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस बीमारी के लिए हमें टैबलेट लिख के देता है, बट वो इन सेल को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं देता। हमारे पास हमने जो बताया, हमारे पास ये डेली मल्टी विटामिन की टैबलेट आती है, और इस टैबलेट का मैंने कुछ चूरा कर रखा है, ये चूरा हम इसके अंदर थोड़ा सा डालते हैं और इसको धीरे धीरे हम हिलाते हैं, तो देखिए ये इसका रंग चला गया, ये पूरा का पूरा इसने अपने हमारे खून को साफ कर दिया, और साफ करने के बाद ये इसकी सेल भी देखो, तो सेल धीरे धीरे से इसकी वाइट होनी शुरू हो गई, और ये सारी की सारी सेल वाइट हो चुके हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रोलाइट डेली। अब इसको खाने के बाद अगर हम मार्केट में वापस जाते हैं और ये वापस पोल्यूशन अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 24 घंटे तक आपके शरीर के अंदर जो विटामिन मिनरल की कमी हो रही है उसको, ये कमी को ये पूरा कर देता है, जिससे हमारे बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, खाने के बाद एक टैबलेट अपने को रोज लेनी है। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स विद 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं राइट। तो ये हमारा डेमो था डेली टैबलेट का। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है होम केयर की रेंज। तो होम केयर में हम सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है एसेट। एसेट जो है कपड़े धोने वाला, हर घर के अंदर इसकी हमें ज़रूरत होती है। हमने 2 गिलास लिए,
इन दोनों गिलासों में हमने पानी डाल दिया और बस एक हैंकी है रुमाल वाइट कलर का, इस पर मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये बॉल पेन है, बॉल पेन से मैं आपके सामने इसके ऊपर एक निशान लगा देता हूँ। ये आपको निशान दिख गया, ये निशान मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एसिड लेंगे, इस एसेट को इसके ऊपर लगा देंगे, एक ड्रॉप लगा देंगे इसके ऊपर, मैं एक ड्रॉप लगा रहा हूँ और थोड़ा सा पानी में डाल देंगे। ये आपके सामने मैंने इसको थोड़ा सा लगा दिया और एक ड्रॉप पानी के इसमें लगा देंगे ऊपर और थोड़ा सा इसको रब करेंगे। नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा सूखने डाल देते हैं। अब ये थोड़ा सा सूखेगा फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अब ये दो गिलास ले लिए, एक में हमने मार्केट का ब्रांड लिया, मार्केट का ब्रांड जिसकी टीवी में ऐड आती है, इसको हमने थोड़ा सा डाल दिया। एक में हमने डाला हुआ अपना ब्रांड, ध्यान से देखो इसमें आपको वाइट वाइट पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये वाइट वाइट पार्टिकल क्या है, ये हमारे कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो कि आप ये चूना है, पत्थर के कुछ ऐसे कण हैं जो आपके, जो आप 2 किलो लेके आते हो, 2 किलो के साथ 200 ग्राम 400 ग्राम फ्री आता है, वो यही आता है। इसका कोई भी सफाई से लेना देना नहीं होता, ये आपकी मशीन को ब्लॉक कर देता है, चॉक कर देता है और आपके कपड़ों के अंदर चला जाता है, कपड़ों को टाइट कर देता है। इस ये 3-in-1 है, इसमें सॉफ्टनर भी डाला हुआ है, कपड़ों को वाइट भी कर देता है और आपके ये कपड़ों को साफ भी करता है, मैल भी निकाल देता है। ये सूख गया, इसको थोड़ा सा हम वापस पानी के साथ लगाया और इसको हल्का सा रब कर दिया। इसको जो हल्का सा रब करने के बाद इसको हमने वॉश कर दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा साफ हो गया, राइट। तो कितनी देर लगी और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, इसमें वाइट कलर का, इसमें कोई नील लगाने की भी जरूरत नहीं और ये आपका सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे कपड़े हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको नील लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। इसको इसमें वॉशिंग मशीन के अंदर सिर्फ एक ये ढक्कन डलेगा, एक मग के अंदर गर्म पानी लेना है, हल्का गर्म पानी, मीडियम कुछ भी ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा एक ढक्कन ये डाल दिया और वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी डाला हुआ उसमें ये जो आपके पास मग है उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद कपड़ों को कुछ देर तक डिप करके रखो और फिर आप वॉश कर दो। पहली एक बार या दो बारी में आपको रिजल्ट कम मिलेंगे क्योंकि आपके कपड़ों के अंदर जो पुराना जो केमिकल आपके गए हुए हैं उनको ये बाहर निकाल देगा। उसके बाद आपके कपड़ों की शाइनिंग चमक आपकी बरकरार रहेगी, लंबे टाइम तक आपके कपड़ों के रंग फेड नहीं होंगे जो कि अभी हो रहे हैं, तो राइट। और ये प्रोडक्ट हाथों को भी ख़राब नहीं करता और स्पेशली खारे पानी के लिए जहाँ पे गाँव के अंदर ट्यूबवेल का पानी होता है या हैंडपम्प का पानी होता है, जहाँ पे भारी पानी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी डिटर्जेंट या सोप काम नहीं करता, वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और कॉस्ट की जहाँ तक बात है तो दोस्तों उससे जो आपके बाहर के प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, मार्केट के प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उनसे ये सस्ते ही पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास बर्तन साफ़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट प्रोडक्ट, डिश ड्रॉप लिक्विड। और हम इसका कंपैरिजन करेंगे मार्केट के इस ब्रांड के साथ में। इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है डिश सोप का, इस तरह की बॉटल में। इस बॉटल में कैसे तैयार करना है, इसमें 3 तरह के निशान दिए हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम डिश ड्रॉप भरेंगे और ये वाला पानी भर देंगे। तो इस तरह की बॉटल तैयार कर लेंगे, इस बॉटल से ऐसी 8 बोतलें तैयार हो जाती हैं, राइट। अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि कोई भी बर्तन लेते हैं उस बर्तन पे हम उनमें बर्तनों में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास सरसों का तेल है, मैंने लिया और बर्तनों पे लगा दिया ताकि ये मान के चलते हैं, हमने ये मैंने लगा दी 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर ले ली। अब एक में हमने डाला ये बाजार का, ठीक है, और इसको साफ किया। आप देख रहे हैं
दूसरे पे हमने डाला ये हमारा डिस्क ड्रॉप। ये अगर आप ध्यान से देखें तो देखें कि कौन सा साफ हो रहा है, कौन सा ऑयल को काट रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, बर्तन के अंदर इसको पानी के साथ धोएंगे, थोड़ा सा पानी इनके ऊपर चलाएंगे हम। आप देखिए दोस्तों कौन सा चिपका हुआ रह गया, राइट। ये अभी भी वैसे ही पड़ा है मार्केट वाला, लेकिन हमारा वाला जो है डिस्क ड्रॉप ने इस बर्तन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया। ऐसा ही होता है हमारे घरों में, जब काम वाली बाई बर्तनों को साफ़ करके चली जाती है तो ये बर्तनों पे लगा रह जाता है। आप अभी भी चेक करना, आपके बर्तनों पे वाइट वाइट कलर का जो लगा रहता है, ये हम अपनी सब्जी रोटी दही के अंदर इसको हम पेट के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद पेट में तरह तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ये जब भी हमारे पेट में जाएगा हमारे पेट में बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, जितने भी है इसको यूज़ करने पे आपके ये लेडीज़ के हाथ कटने लग जाते हैं, उंगलियाँ कटने लग जाती हैं, नाखून ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है डिस्क ड्रॉप, इसमें ये समस्या नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट डाले गए हैं वो ऐसे हैं कि जो हाथ हैं ये कटने बंद हो जाएंगे, राइट। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इससे ऐसी 8 बोतलें बन जाती हैं, जो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये का ये 250 ml बनता है, वहीं पे ये 40 रुपये का 500 ml लिक्विड तैयार होता है। एक बोतल से हम 50 बार बर्तन को साफ़ कर सकते हैं, यानी 25 दिन तक सुबह शाम चलते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कौन सा महंगा है और कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए। डिस्क ड्रॉप में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि काम वाली भाइयाँ इसको यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि हम नहीं करवाना चाहते, बिकॉज़ कि हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज तरीका बताता हूँ, इस तरह का बर्तन लेना है आपने और इसमें थोड़ा सा आपको पानी डालना है। आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, पानी लेने के बाद ये जो सॉल्यूशन हमने बना के तैयार रखा हुआ है इसके 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे, 1-2, ये 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए। और हम सभी के घरों में इस तरह का स्पंज होता है, उस स्पंज से हम इसको ऐसे करेंगे, तो ये देखिए आप दोस्तों कितनी सारी झाग बन गई है। अब इस झाग से हम एक टाइम के बर्तनों को हम आराम से साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये इतना बढ़िया होता है कि आप किसी भी कस्टमर के यूँ हाथ में लगा दो आप तो भी कुछ भी नहीं होने वाला, आप कपड़ों पे लगा दो तो भी इससे कपड़ों को नुकसान नहीं होने वाला, जबकि ये लगाएंगे तो आपके कपड़ों में मोरे हो जाएंगे। और दूसरा, कभी भी आप इस तरह की जो चीज़ है हम मार्केट वालों को लगा नहीं सकते, खा नहीं सकते। हमें कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि पेट में जाता है, लेकिन हमारे वाले प्रोडक्ट को अगर आप ऐसे करके ऐसे आप खा भी लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतने सेफ हैं प्रोडक्ट हैं। और इनको धोने के बाद जो पानी बचता है उनको हम पौधों में भी डाल सकते हैं, इतने सेफ प्रोडक्ट हैं ये। ट्रिपल ई बेस्ड होते हैं, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो डिस्क ड्रॉप में एक ही है कि आपको बनाने का तरीका आना चाहिए, और आपने जब इसको यूज़ करना शुरू कर लिया उसके बाद आप दूसरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा डिस्क ड्रॉप। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो आज की, अगर अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सभी को आज इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि डिजिटल माध्यम से प्लान का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डेमो के लिए पीछे जा रहे थे। तो डेमो में आप उनको जो प्लान करने के बाद उनको लिंक भेज सकते हैं इसका। सो थैंक यू वेरी मच।